आई वॉन्ट हिम टू रिटायर बिकॉज मैं नहीं चाहता कि ये सारे अपनी तवज्जो T20 पे लगा दें. जितना जोर आज लगाया है इसका आधा जोर लगा के ये 300 कर सकते हैं वनडे में. अब बहुत सारा मैं क्रिटिसिज्म सुन रहा हूँ विराट कोहली के ऊपर, और मैं आज के दिनों में था तो मेरे टीवी के साथ ज़्यादा इंट्रैक्शन थी नहीं, ज़्यादा मैं सोशल मीडिया देख नहीं रहा था और ना ही मुझे खबर थी कि क्या हो रहा बाहर की दुनिया में. जब मैं वापस आया हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि उन पे एक क्रिटिसिज्म का पहाड़ टूट पड़ा है और ये कहा जा रहा है कि उनको ड्रॉप कर दिया जाए. अब विराट कोहली ख़त्म हो चुके हैं, ये बात ठीक है. विराट कोहली के करियर में अब रहा कुछ नहीं है, ये बात भी ठीक है. और मुझे लगता है कि वो आने वाले वक्त में अब कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ये बात भी ठीक है. ऐसा मुझे लोग कहते हैं. मैंने उनसे ये बात की, मैंने बात सुनो, ये विराट कोहली दुनिया का ग्रेटेस्ट प्लेयर है फॉर लास्ट 10 ईयर्स में. अगर कोई ग्रेटेस्ट प्लेयर को मर्ज हुआ है वो विराट कोहली है, और एक आधा साल उसका बुरा गुजरा है. वो उस साल में भी उसने काफी रन किए हुए हैं, 100 नहीं किए लेकिन उसने रन काफी किए हुए हैं. एक दम उसके खिलाफ हो जाना, एक दम उसके ऊपर क्रिटिसिज्म कर देना, एक दम उसको ये कह देना, इतने बड़े प्लेयर को, इतने बेहतरीन इंसान और इतना अच्छा प्लेयर और इतना बड़ा प्लेयर और ग्रेट प्लेयर एंड और इतना नफीस इंसान, उसको आप पकड़ के जलील करना शुरू कर रहे हैं मीडिया पे. मुझे समझ नहीं आ रही किस तरह आपने सोच लिया कि आप उनको ड्रॉप कर सकते हैं. ये कैसे आपने सोच लिया कि कपिल देव मेरे खुद बड़े सीनियर हैं, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, उनकी ओपिनियन है और ठीक है, ओपिनियन उनकी होनी चाहिए और रखनी भी चाहिए, और मैं बिल्कुल उनके वो उससे वो डिफर नहीं. तो भाई 3 महीने पहले ये जो वीडियो आया था शोएब अख्तर का, इसी के ऊपर हम रिएक्ट करने वाले हैं. तो ये देखिए कितनी तारीफ कर रहे हैं इस वीडियो में विराट कोहली की. लेकिन देखा जाए तो अभी कुछ दिनों पहले जो इनका स्टेटमेंट आया है कि विराट कोहली शुड रिटायर फ्रॉम T20 फॉर्मेट एंड फोकस इन टेस्ट एंड 50-50 ओवर गेम वन डेज में, तो देखिए कितना मतलब अजब तरीके का इनका एक हिपोक्रेसी टाइप इनकी ये चीज़ें होती है. 3 महीने पहले ये उस विराट कोहली को उस बैट फेस में जो उनका चल रहा था वहाँ पे सपोर्ट कर रहे थे, और आज देखा जाए तो ये मतलब बोल रहे कि नहीं, इन्होंने कि विराट कोहली को ये करना चाहिए 50-50 में और वन टेस्ट में फोकस करना चाहिए. तो ये बहुत मतलब इनका और कुछ नहीं, बस व्यूज़ गेन करने का इनका जो तरीका है बस वही है, और तो कुछ लग नहीं रहा है. चलो आगे देखते हैं और क्या कहते हैं. कि कपिल देव साहब की एक हिस्ट्री है, वो लेजेंड है और बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, ये बात वो कह सकते हैं. कपिल देव कह सकते हैं और कोई नहीं, ग्रेट क्रिकेटर कह सकता है जैसे कपिल देव भाई हैं, कह सकते हैं. जो उनकी ओपिनियन है वो ठीक अपनी जगह पे कह रहे हैं, ठीक है, मान ली बात. हाँ, एज अ पाकिस्तानी जो मुझे मैं अब जो सपोर्ट कर रहा हूँ विराट कोहली की, वो इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए 1700 कोई ये खाला जी का घर नहीं है, ये कोई कैंडी क्रश नहीं हो रहा कि 1700 कर दिए अगले ने, ये कोई ग्रेट आदमी 100 कर सकता है, ये आम बंदा 100 नहीं कर सकता इतने. और मेरी तो ख्वाहिश है कि अभी तो आपने देखना है कि अब जब इस फेज से विराट कोहली बाहर आएगा वो एक और दुनिया का बंदा होगा, और इस दुनिया से उसको निकलना है. कुछ चीज़ें हैं जो विराट कोहली को खुद सेट करनी है, और मैं इशारतन उसको समझा रहा हूँ अपने व्लॉग से कि वो जो एक 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 जो लाइफ स्पैन था एज ए कैप्टन और एक मीडिया रिलेटेड एक लाइफ थी, साइड पे करते हैं. शोएब अख्तर जी की खुद की उनकी ओपिनियन है तो देखते हैं, लेकिन ये सही नहीं है. पहले कुछ कहना, अब कुछ कहना, और जो भी है तो चलो देखते हैं. लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और ये अभी उनकी जो अभी जो क्लिप आई है विराट कोहली के बारे में, ये क्लिप अभी चलेगी, तो इसके बाद प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना चैनल को और वीडियो को लाइक करना. बाय बाय, गुड नाइट. आज मेरे ख्याल में ज़िंदगी की सबसे बड़ी इनिंग्स वो खेल गए. वो इसलिए खेल गए कि उनको यकीन था कि वो कर जाएंगे.
तीन साल वो डाउन एंड आउट रहे, रन नहीं बने, कप्तानी छीन ली गई, बुरा भला भी कहा गया, फैमिली तक भी लोग चले गए, बट अपनी ट्रेनिंग करते रहे, मेहनत करते रहे। आज दिवाली के मौके पर, कल दिवाली है, आपको दिवाली मुबारक भी हो बहुत बहुत सारे हिंदुओं को, पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में सब हिंदू भाई बहन भाई की दिवाली मुबारक हो। और दिवाली से पहले ही पटाखा फोड़ दिया गया, वो इसलिए कि विराट कोहली साहब ने डिसाइड कर लिया कि ये स्टेज और ये जगह परफेक्ट है मेरे कमबैक के लिए और मेरे नाम के लिए, एंड टू गेट इज नेम बैक, एंड आई थिंक किंग इज बैक एंड इज बैक विद द बैंग। आई एम रियली हैप्पी फॉर हिम, इज ग्रेट क्रिकेटर। आई वॉन्ट हिम टू रिटायर बिकॉज मैं नहीं चाहता कि ये सारे अपनी तवज्जो T20 पे लगा दें। जितना जोर आज लगाया है, इसका आधा जोर लगा कि ये 300 कर सकते हैं वनडे में। प्रेशर गेम थी, बहुत ज़्यादा प्रेशर गेम थी, बट अगेन